देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आज खुशखबरी मिल सकती है। कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा सकता है। इस बढ़ोतरी के साथ ही मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 7% हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 मार्च से लागू माना जाएगा। देश में करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी है और जहां तक पेंशनर्स की बात है उनकी संख्या 61 लाख है, तो उन सभी के लिए आज राहत की खबर आ सकती है। और कर्ज में डूबे टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी कैबिनेट में खुशखबरी आ सकती है। कैबिनेट में स्पेक्ट्रम कैप को लेकर फैसला हो सकता है। अभी सर्कल और बैंड के अलग अलग कैप होती हैं, जिससे टेलीकॉम कंपनीज को अपना कारोबार बढ़ाने में दिक्कत होती है। सर्कल में स्पेक्ट्रम कैप 25% और बैंड में 50% की कैपिंग है, यानी कोई भी एक ऑपरेटर इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम नहीं रख सकता है। अगर कैप को बढ़ाने की मंजूरी मिलती है तो सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होगा। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आलोक। आलोक बता सकें, कैबिनेट की बैठक में आज एक तरफ हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है, दूसरी तरफ हम टेलीकॉम क्षेत्र जो काफी मुश्किलों से जूझ रहा है उसके लिए भी राहत आ सकती है। बिल्कुल, देखिए दो बड़े एजेंडे इस कैबिनेट की बैठक में, जो आज सीसीए और कैबिनेट की बैठक शाम को 6 बजे होने वाली है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। सबसे पहले तो बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2% डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। अभी कुल मिलाकर 5% अभी डीए मिलता है। पिछली दफ़ा सितंबर में उन्हें 4% बढ़ाकर 5% किया गया था, 1% की बढ़ोतरी की गई थी डीए की, लेकिन आज जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2% डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो करीब 1 करोड़ से ज़्यादा जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको इसका फायदा होगा। और जाहिर सी बात है कि ये 6 मंथ में एक बार रिव्यू होता है और उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशन भी आई थी, करीब 7% की रिकमेंडेशन आई थी, और उसी के हिसाब से आज कैबिनेट फैसला ले सकता है डीए में बढ़ोतरी को लेकर। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने को लेकर है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि टेलीकॉम सेक्टर इस वक्त भारी, एक तरह से कहें स्ट्रेस में है, और खासतौर से सरकार को इस बात की बड़ी चिंता है कि कहीं जो टेलीकॉम सेक्टर में करीब 4 लाख करोड़ रुपया है वो कहीं एनपीए में न बन जाए। इसलिए सरकार चाहती है कि जो भी एग्जिस्टिंग टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनको एक कंफर्ट जोन मिले, और खासतौर से जो अभी मर्जर एक्विजिशन हो रहे हैं लगातार उसको देखते हुए ये सरकार की कोशिश है कि किसी भी सर्कल में अगर 25% से ज़्यादा भी स्पेक्ट्रम का किसी का शेयर हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उस कैप को सरकार रिलैक्स कर सकती है ताकि कई दो बड़े प्लेयर आपस में एक दूसरे का स्टेक खरीद सकें। और खासतौर से अगर देखें तो वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर है इस वजह से ही अटका पड़ा था, क्योंकि कई सारे सर्कल्स में उनका जो स्पेक्ट्रम का कैप था वो 25% से ज़्यादा हो जा रहा था, इस वजह से ये डील नहीं हो पा रही थी। तो सरकार चाहती है कि जो कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर में जो एग्जिस्ट अभी कर रही हैं वो एक तरह से दम न तोड़ें और जो एनपीए इस टेलीकॉम सेक्टर में ज़बरदस्त है उनको राहत मिले। तो जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की रिकमेंडेशंस थी उसके मुताबिक सरकार जो कैप है स्पेक्ट्रम का कैप उसको हटा सकती है, और साथ ही साथ इसमें कुछ इंटरेस्ट में जो पेमेंट होता है स्पेक्ट्रम का उसमें वेवर, और साथ ही साथ जो पेमेंट का जो ड्यूरेशन होता है उसमें भी रिलैक्सेशन दे सकती है। तो ये 3 रिकमेंडेशन टेलीकॉम सेक्टर को लेकर आईएमजी की है जिस पर सरकार आज केंद्रीय कैबिनेट फैसला कर सकती है, और बहुत उम्मीद है कि टेलीकॉम सेक्टर के हक में फैसला होगा। जी, आप बने रहे, एक और इम्पॉर्टेंट खबर है उस पर भी हम आपसे एक रिएक्शन लेंगे। खबर जीएसटी रिफंड से संबंधित है। जीएसटी रिफंड वक्त पर नहीं मिलने से परेशान एक्सपोर्टर्स की सुनवाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। पीएम मोदी एक बैठक करने वाले हैं जिसमें एक्सपोर्टर्स को जीएसटी रिफंड में आ रही सभी दिक्कतों का निपटारे पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु भी मौजूद रहेंगे। आलोक ये बता सकें, जहां तक एक्सपोर्टर्स की बात है उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत रही है जीएसटी रिफंड की, जहां तक है उसकी वजह से कारोबार में कई तरह की परेशानियां आ रही थी। अब ये जो बैठक होने वाली है जिसमें अब प्राइम मिनिस्टर खुद इस बैठक में रहेंगे, इसको लेकर क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए 8 महीने जीएसटी लागू हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक्सपोर्टर्स को लेकर जो समस्या है वो कई राउंड की बैठक के बाद भी दूर नहीं हो पाई है। आज खास तौर से जो शुक्रवार को प्रधानमंत्री जो बैठक बुला सकते हैं उसमें वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी, वित्त मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु और उनके सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और कोशिश ये की जाएगी कि एक्सपोर्टर्स को जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। जो उनका जीएसटीआर भरने का फॉर्म है, उनको रिफंड का प्रोसेस है, उसको और आसान बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जो दिक्कतें हैं
अगर देखें तो अक्टूबर से लेकर अभी जनवरी तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का रिफंड मिला है, जबकि करीब 10,000 करोड़ का रिफंड उन बकाया है जो सरकार को एक्सपोर्टर्स को देना था। और सबसे बड़ी समस्या जो एक्सपोर्टर के साथ हुआ है वर्किंग कैपिटल की। इस वक्त एक्सपोर्टर्स इतने लिक्विडिटी क्रंच में है और उनका मेजर जो वर्किंग कैपिटल है वो रिफंड में फंसा पड़ा है। इस वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने आप को बहुत ही असहाय स्थिति में महसूस कर रहे हैं और बार बार अपनी गुहार जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु के पास लगा रहे हैं। आज भी एक राउंड की बैठक हुई है सुरेश प्रभु के साथ, जहां जैसे मुझे जानकारी मिली है, और इस बड़े मुद्दे को वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़े हैं। और शुक्रवार को जो बैठक होगी उसमें खास तौर पर इसी पर चर्चा होगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले निर्मला सीतारमण जब कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करती थी तो उस वक्त भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में खुद पर्सनली जाकर निर्मला सीतारमण ने एक्सपोर्टर की समस्या का समाधान निकालने की बात कही थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि हम 7 दिन के भीतर छोटे अमाउंट और 90 दिन के भीतर बड़े अमाउंट का हम निपटारा कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये बात आई आगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कि ई वॉलेट बनाया जाएगा, उस पर भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। और आखिरी जो लास्ट एक रिजोल्यूशन निकाला गया था कि जो लोकल टैक्स ऑफिसर्स हैं वहां पर जाके आप ऑफलाइन अपने रिफंड को प्रोसेस करवाएं, लेकिन वो भी बात जो है ना सिरे चढ़े नहीं दिखती और एक्सपोर्टर्स की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी धन्यवाद, आगे आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया।